मम्मी आम का सीजन आ गया? अभी तो मुझे तो वैसे चल रहा है, अभी ये थोड़ा सा वैसे ही है, कार्बेट और दवाइयों से पके हुए। अभी प्रॉपर आम आएंगे जब सही बारिश होगी, है ना? साढ़ सावन का महीना कौन सा है वो लगा ले। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और रात को दवाई ले ली थी, थोड़ा बेटर फील हो रहा है, लेकिन ब्रीदिंग थोड़ा सा ना टफ लग रही है। और गले की प्रॉब्लम या ब्रीदिंग की हल्की सी प्रॉब्लम होती है, दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है कोरोना कि कोरोना तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, इंप्रूवमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी दवाई लूँगा, प्रॉपरली ठीक हो जाऊँगा। खांसी में और गले में बहुत ज़्यादा आराम है। अब थोड़ा सा ब्रीदिंग हैवी लग रही है और शरीर थका हुआ लग रहा है, फैटीग लग रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या सीन है। तो अभी मैं दवाई ले लूँगा, सुबह की ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। और राइड पे है ना, अब देखो बाहर है ना बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, तो राइड पे अभी तो नहीं जा रहा मैं, क्योंकि गर्मी में बाइक निकालना बेवकूफ़ी है, ऊपर से शरीर भी थका हुआ हो रहा है। तो शाम को चलेंगे राइड पे अपना माइक टेस्ट करने। और मैंने कस्टमर केयर पे फ़ोन करा था, कस्टमर केयर वालों से मैंने बात करी, उन्होंने बोला जो आपका अमाउंट कटा है वो आपके कार्ड में या आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा 2 से 3 दिनों में। तो माइक के साथ साथ है ना, मैंने एसडी कार्ड भी, मेमोरी कार्ड भी ना कैंसिल कर दिया था ऑर्डर। तो अभी यहीं नजफगढ़ चलते हैं, मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ, पापा आ गए हैं तो पापा की गाड़ी लेके है ना नजफगढ़ चलते हैं, या देखते हैं कोई दुकान, वहीं से एसडी कार्ड भी ले लेते हैं। अब कौन इतना वेट करेगा, थोड़ी सी तबीयत मेरी अब ठीक हो जाए, प्लस माइक भी मैं अब राइड करके शाम को देखूँगा। अगर माइक में कोई दिक्कत नहीं हुई, एसडी कार्ड भी मैं आज ले ही आऊँगा। तो भाई अपनी ट्रिप फाइनल हो गई है, चलेंगे। सो गाइस चलते हैं। So guys, हम पहुंच गए हैं नजफगढ़। सामने दुकान है कम्युनिकेशन, तो इस पे मिल सकता है। तो चलते हैं, पता करना है एसडी कार्ड, लिखा तो हुआ है इस पे एक्सेसरीज स्मार्टफोन्स की, बाकी चल के अगर पता करते हैं। सैनडिस्क का मेमोरी कार्ड, तो भाई मैं तो गाड़ी में आके बैठ गया, क्योंकि ऑफलाइन सेम एसडी कार्ड काफी ज्यादा महंगा है ऑनलाइन के कंपेरेटिवली। तो मैंने दोबारा से ऑनलाइन बुक कर दिया है, जो पहले पैसे कटे थे वो तो रिफंड हो जाएंगे। तो मैंने ना दोबारा से अपना एसडी कार्ड है ना अमेजोन पे बुक कर दिया, आ जाएगा 1-2 दिन में, और जैसे ही आ जाएगा फिर हम अपने ट्रिप के लिए निकल जाएंगे। लेकिन ऑफलाइन चीजें भाई बहुत महंगी है, मैंने 2-3 चीजें पता करी तो काफ़ी महंगी थी, इसलिए मैंने ना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया। अभी फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा, भाई मेरे हाथों पे पसीना आ गया, 2 मिनट के लिए बाहर निकला था। तो बस घर चलते हैं। भाई मैं घर आ चुका हूँ, और वहीं पे दुकान पे खड़े खड़े है ना मैंने ऑनलाइन बुक कर दिया था अपना एसडी कार्ड, तो वो 2-3 दिन में आ जाएगा। और माइक तो मैं शाम को चेक ही कर लूँगा, प्लस प्रिंस का माइक भी नहीं दिया मैंने, 2-3 दिन हो गए, प्रिंस का माइक भी घर पर पड़ा हुआ है, तो शाम को उसका भी माइक दे के आना है। फिलहाल अभी मम्मी से पूछता हूँ खाने का क्या बनाया, तो मैं खाना खा लेता हूँ, लंच कर लेता हूँ। क्या बनाया? मूंग की दाल खिचड़ी। मूंग की दाल की खिचड़ी, कुछ ढंग का ना मिला? आम खा ले, आम काट रखे। और अब क्या बना रहे हो शाम में? घिया। घिया, डाइट पे ना। तो भाई लंच में तो खिचड़ी बनी है, बाकी ये फ्रीजर में रखे हुए थे, ठंडे हो रहे हैं और बहुत मीठे हैं। मम्मी आम का सीजन आ गया? अभी तो मुझे तो वैसे चल रहा है, अभी ये थोड़ा सा वैसे ही है, कार्बेट और दवाइयों से पके हुए। अभी प्रॉपर आम आएंगे जब सही बारिश होगी, है ना? साढ़ सावन का महीना कौन सा है? तो जून जुलाई। हाँ, अभी मतलब मीठे हैं ये भी, पर ये वैसे है ना दवाइयों वाले। पर अब तो है ना नवंबर दिसंबर के महीने में भी है ना जूस की दुकानों पे आम रखे थे, नवंबर दिसंबर में, सर्दियों में आम। पर वो बीमारी है भाई, असली आम आएंगे जब बहुत सही बारिश हो जाएगी ना, उसके बाद। भाई कितना बढ़िया लग रहा है आम। सो यार अभी ना मैं अपनी अलमारी को ऐसे ही साफ सफाई कर रहा था, थोड़ा बहुत सामान इधर से उधर कर रहा था, और मेरे को क्या मिला? मेरे को मिला मौत का सामान। आपको याद है, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा हो, नहीं देखा तो जाके देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एक जोलो चिप चैलेंज करा था मैंने काफ़ी टाइम पहले, 4-5 महीने हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे। तो मेरे चैनल पे जोलो चिप का एक व्लॉग है पूरा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो व्लॉग ज़रूर देखना। तो मैंने ना 5 या 6 पैकेट मंगाए थे, तो उसमें से ये 2 बच गए थे। तो अभी ना मैंने देख के सोच रहा था कि इनसे ना कोई चैलेंज परफॉर्म करूं या एक चैलेंज वीडियो हो जाए दोबारा से जोलो चिप को लेके। लेकिन अभी मैं ना ऐसे चेक कर रहा था और मैंने देखा कि ये एक्सपायर हो गए हैं। मैन्युफैक्चर हुए थे 1 सितंबर 2022 और यूज़ बाय डेट थी 1 मार्च 2023। तो मार्च अप्रैल मई तो अभी शुरू हुआ है, खैर तो यू कैन से कि 2 महीने एक्सपायर हैं ये, तो इनको लेके तो अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, एक्सपायर जोलो चिप को लेके कुछ बनाऊं क्या? तो ये थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाएगा भाई, एक्सपायर जोलो चिप से कुछ। भाई इनको तो वैसे ही नॉर्मली खाने में फटती है, और एक्सपायर जोलो चिप क्या करते होंगे क्या नहीं। तो ये तो देखते हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ, एक थॉट आया माइंड में, कंफर्म भी नहीं है, कुछ आया माइंड में कि क्या करना है इनका तो करेंगे। लेकिन अभी मेन काम क्या है कि मेरे को ना अपना माइक, जैकी वीडियो में बोल रहा बार बार, तब से कितनी बार कट कर चुका हूं मैं। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ, बाइक निकाल रहा हूँ। रात के बज गए 8:30, मम्मी मना कर रही है वैसे तो, लेकिन मैं बाइक निकाल रहा हूँ और जा रहा हूँ। एक बार मेरे को ना अपना माइक चेक करना है कि अब काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने पूरा सेटअप अपने हेलमेट में फिटिंग तब कर लिया मैंने। तो अभी मैं चेक करने राइड पे, एक छोटी सी राइड, बिल्कुल ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी राइड पे चलते हैं। हेलमेट में गोप्रो फिट कर लेता हूँ फिलहाल, और आज चला तो चला, वरना इस माइक को मैं फेंकने वाला हूँ बाहर नाली में, क्योंकि ये मेरे को बहुत बेवकूफ़ बना रहा है, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। तो अगर अभी चल गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसे फेंक दूंगा और नया माइक ऑर्डर कर दूंगा। एसडी कार्ड तो मैंने नया ऑर्डर कर ही दिया है। तो फिलहाल अभी फटाफट सेटअप करते हैं, गोप्रो नहीं लगाया मैंने, वरना माइक तो पूरा ऊपर फिट हो गया। तो गोप्रो करते हैं और फटाफट मैं निकलता हूँ बाइक, तो चलते हैं बाहर। सो गाइज, ये मैंने पूरा कस लिया है, अच्छे से एडजस्ट कर लिया है, और ये पता नहीं क्या लगा हुआ है, और थोड़ी सी धूल जम गई है गोप्रो पे। बाकी ये पड़े जोलो चिप, भाई खतरनाक सामान है ये भी, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसको चेक करने चलते हैं बाहर। ये ले रहा है मेरे साथ मजे, ये माइक फिर से काम नहीं करा। आपने क्लिप्स देख भी ली, बीच में जब मैंने इसको छेड़ा था एक बार 1 सेकंड के लिए आवाज़ आई थी, अगर आपने नोटिस कर रही हो तो जब मैंने घर पे आके वो क्लिप देखी कि आवाज़ बीच में अचानक से आई, तो मैंने प्रिंस का माइक दोबारा लगा के देखा। अब प्रिंस के माइक में बिल्कुल अच्छे से आवाज़ आ रही है, लेकिन इसमें नहीं आ रही है, पहले दोनों में आ रही थी। तो ये मेरे मज़े ले रहा है। मतलब ये सोचो कि मैंने कल माइक और एसडी कार्ड, मैंने सोचा एसडी कार्ड भी यहीं से ले लूँगा अगर माइक नहीं ले रहा। माइक कैंसिल कर दिया था मैंने कि मुझे लगा कि मेरा चल गया है, दोनों चीज़ कैंसिल कर दी, मेरे पैसे कट गए। अब वो पता नहीं कब तक रिफंड आएंगे, 1 हफ्ते की बोला उन्होंने, 1 हफ्ते में रिफंड आएगा। और अब दोनों सेम चीज़, कल मैंने जो कैंसिल करी थी आज दोबारा से रीऑर्डर करी है। माइक भी ऑर्डर कर दिया घर पे आके और एसडी कार्ड भी, क्योंकि एसडी कार्ड यहाँ पे महंगा है और माइक अब ये ख़राब हो ही गया है कि ये ख़राब ही है, कभी बीच में चलेगा नहीं चलेगा, मेरी सारी ट्रिप की ऐसी तैसी कर देगा ये। तो नया माइक भी लेना है। बेवकूफ़ बन रहा है मेरा भाई बिना बात का। फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मैं, अब मैं ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। एक तो मेरा गला पहले से बेटर है, अगर मैं कल दवाई नहीं लाता तो मेरा क्या हाल होता। दवाई लेने के बाद भी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा 80% बेटर फील कर रहा हूँ। दवाई नहीं लाता तो क्या ही होता। फिलहाल एक तो अपने गले से परेशान, ऊपर से इससे तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। कितने दिन खा चुका है, मेरा वेस्ट कर चुका है। मेरी बाइक खड़े खड़े धूल जम रही है बस भाई। बिना गोप्रो की बाइक का कोई मतलब ही नहीं बनता, और बिना माइक के गोप्रो का कोई मतलब नहीं बनता। सो कोई बात नहीं, मैंने माइक और एसडी कार्ड ऑर्डर कर लिया है, आ जाएंगे। एसडी कार्ड कल तक आ जाएगा, और माइक एस्टिमेटेड डिलीवरी दिखा रखी है 13 मई, यानी कि सैटरडे, वैसे उससे पहले ही आ जाएगा। तो अब देखते हैं कब तक आएगा। तो मैं इसे रख देता हूँ, डिनर करते हैं। तो गाइज़ रात के बज रहे हैं 11, डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है। और रात के 11 बजे मैं पी रहा हूँ नारियल पानी। और भाई पता नहीं नारियल बहुत ज़्यादा मीठा है या मुझे लग रहा है, शायद ये मलाई वाला है क्योंकि मलाई वाला नारियल ज़्यादा मीठा लगता है। और रात के 11 बजे मैं नारियल पानी पी रहा हूँ। घर में सब सो चुके हैं, तो ये मम्मी बाहर गई थी तो लेके आई थी, तो मुझे दिख गया फ्रिज में तो मैं ले आया। आप भी सोच रहे होंगे दुनिया दिन में नारियल पानी पीती है, मैं रात के 11 बजे नारियल पानी पी रहा हूँ। दिमाग ख़राब हो चुका है वही मेरा, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा अपनी बीमारी से और अपने माइक से, गोप्रो के। आप भी सोच रहे होंगे कि एक तो इसका शरीर और एक इसका गोप्रो या गोप्रो का माइक कभी ठीक ही नहीं होता। सही बात है, आप ऐसा सोच रहे हो। यार मैं बीमार हूँ चाहे कुछ भी हूँ, आपको व्लॉग टाइम पे ना मिलते हो, डेली ना मिलते हो तो बात अलग है ना। तो गलत बात है, कोई भी ऐसा सोच रहा हो। मैं भी ठीक हो जाऊंगा और माइक को हम चेंज करवा देंगे। नया माइक मैंने ऑर्डर कर दिया है, जल्दी जल्दी आ जाएगा। और जैसे ही माइक आ जाएगा हम निकल जाएंगे। बाकी फ़िलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है इस व्लॉग में क्योंकि मेरे माइक ने मेरे को फ्रस्ट्रेट कर रखा है बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। बाकी हाँ, इसे देख देख के ना बार बार मेरे माइंड में उल्टे सीधे आइडिया आ रहे हैं कि इससे कोई चैलेंज करूं या किसी को खिला दूं ऐसे ही, पर ये एक्सपायर हो चुका है तो करते हैं इसका भी कुछ। बाकी फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट से बताना और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना इस ब्लॉग को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी ही, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।